हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फार्मूलों में इसका पार्ट थ्री पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने दो वीडियो आपको बनाया है जिसमें मैंने देखा था बहुत बच्चों को मतलब समझ में नहीं आता था, है ना, इसलिए मैंने बनाया, ठीक। आज हम क्या करेंगे, जो भी हाई स्कूल के फार्मूले थे, है ना, जिनको आप याद करते थे, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको दो फार्मूले याद है, ये दोनों फार्मूले अगर याद हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 20-25 फार्मूले लगभग अपने आप याद रहेंगे, वो भी हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, और इन सब चीज़ों का जो मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे वो आपका डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रल हो, ठीक है, सब में यानी हर जगह आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, आइए चलते हैं, बातें करते हैं इसके बारे में, ठीक। तो उसमें फार्मूला क्या खाली याद रखना है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, बस ये फार्मूला याद रखना है। एक याद रखना पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बस दो फार्मूला याद। आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक अभी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से क्या बोलते हैं, लगभग 25-30 फार्मूले बना के दिखाएंगे, सब तैयार रहेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। देखो दोस्त, अगर हम यहीं पे क्या करें, माइनस कर देना, तो एक फार्मूला आपका तैयार हो गया, क्या साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला तैयार हो गया, नहीं हो गया। देखो क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, बोलो हो गया नहीं, एक अलग से तैयार। यहाँ देखो, अगर यहाँ कास ए माइनस बी होता, कास ए माइनस बी तो क्या फार्मूला बन जाता आपका, कास ए इंटू कास बी प्लस हो जाता साइन ए इंटू साइन बी। बताओ, दो फार्मूला रखे, एक फार्मूला आपका अपने आप तैयार हो गया, हो गया, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सारी चीज़ों को सीखते चलते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं बाबू, यक्स के स्थान पे क्या करते हैं, या ए के स्थान पे समझिए, ठीक, ए के स्थान पे यक्स रख देते हैं, बी के स्थान पे क्या करते हैं, वाई रख देते हैं। आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो ये सब बाबू, हो जब आप अवकलन पढ़ते हो, समाकलन पढ़ते हो, तो वहाँ यक्स वाई के रूप में दिया रहता है मैक्सिमम चीज़, या टी के फॉर्म में देता, आपको लगाने में दिक्कत होता था, हम उस टाइप से लगा के सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। जैसे आपका साइन है क्या बाबू, यक्स प्लस वाई जो ए प्लस बी था, ठीक है, क्या था आपका साइन एक्स इंटू कास वाई, जैसे उसमें था क्या साइन ए इंटू कास बी, फिर प्लस कास ए इंटू यानी कास एक्स इंटू साइन वाई, ठीक, ऐसे बनता। तो याद खाली ये रखो कि यानी ये फार्मूले में क्या है, ये ए के बराबर अगर एक्स रख दिया जाए किसी फार्मूलों में, या बी के बराबर वाई रख दिया जाए, तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनते जाएंगे, ठीक। हम सारी चीज़ों को ए और बी के रूप में ही लिखते हैं, ताकि आपको क्या बोलते हैं, जो याद की हो उसी भाषा में याद है और जल्दी याद रहे, चले। चलिए हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को ऐसे लिखेंगे। हमें ये फार्मूला पता है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, एक फार्मूला ये होता है। इसी का फार्मूला हमने बताया अभी कि साइन अगर हम ए माइनस बी कर दें, साइन ए माइनस बी कर दें, क्या बन जाएगा वो आपका, साइन ए इंटू कास बी माइनस हो जाएगा कास ए इंटू साइन बी, बताओ कुछ मैंने किया नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ दें, यानी इसको भी जोड़ दें और इधर वाले पक्ष को भी जोड़ दें, ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या जाएगा, ये देखो कास ए इंटू साइन बी है, कास ए इंटू साइन बी कट जाएगा, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कास
बीच में देखो साइन ए भी है, साइन ए भी है, कास ए भी है, कास ए भी है, तो जुड़े का आ जाएगा टू टू साइन ए इंटू कास बी हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमें यहाँ से फार्मूला मिल गया ये क्या कि टू साइन ए इंटू कास बी अगर है, टू साइन इंटू कास बी है, तो उसके बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा ऐसे ही हम क्या करें अगर इनको घटा दें, इसको हम इक्वेशन एक मान लें, ऐसे इक्वेशन सेकंड मान लें, यहाँ हमने जोड़ा था समीकरण एक और दो को जोड़ा था तो हमें ये मिला था, ठीक, ये फार्मूला में ये मिल गया था जो आप याद करते हो, मिल गया था। अगर दोनों समीकरणों को हम घटा दें, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दें, तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाता है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाता है, ये आपका माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये कट जाता है, क्या होता है आपका टू कास ए इंटू साइन बी, टू कास ए इंटू साइन बी हो जाता है। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया जिसको आप याद करते हो, बाद में समझ में आ रही है, ये समझ में आया। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, ये हमें समझ में आ गया है। चलिए हमें आपने देखा क्या, एक फार्मूला ये याद था, इसके साथ हमने ये फार्मूला लिखा था, इसको जोड़ा था तो ये फार्मूला मिला, इन्हीं को आपस में घटा दिया तो ये फार्मूला मिला, हमें कुल कितने फार्मूले मिल गए, एक दो एक ये तीन, तीन फार्मूले मिल चुके हैं, सिर्फ हमें ये याद था इसकी वजह से। अब देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करें जहाँ ए है ए के बराबर हम बी रखते हैं, इसको मान लो हम समीकरण तीन कर देते हैं, समीकरण तीन, समीकरण तीन में जहाँ ए है उसके स्थान पे बी रख दीजिए, बी रखेंगे क्या हो जाएगा आपका साइन, यहाँ भी है यहाँ भी है, ए मिलकर हो जाएगा टू ए, यहाँ ए माइनस ए यानी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो होता है, बराबर टू साइन ए इंटू कास ए, बताओ ये फार्मूला फिर मिल गया, मिला कि नहीं मिला, साइन टू ए का फार्मूला है कि नहीं, साइन टू ए बराबर क्या होता है टू साइन ए इंटू कास ए, टू साइन ए इंटू कास ए, ऐसा फार्मूला होता है कि नहीं होता बताओ, होता है। अब देखो इसी फार्मूले से हम चाहें तो एक फार्मूला और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ऊपर मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम इसी में क्या करें, हमें क्या मिला है साइन टू ए बराबर मिला है टू साइन ए इंटू कास ए, एक मिला है ना, तो इसके बट्टे बताओ, हम इसके बट्टे एक लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, पहले बताओ एक लिख सकते हैं, तो बताओ एक अगर हम बट्टे लिखेंगे तो एक स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए लिख लीजिए क्योंकि इसके बराबर एक होता है, बोलो ऐसा लिख सकते हो। चलो अब देखो क्या करेंगे, इसको मिटा दें, तो यहाँ पे हमें क्या अब क्या करना है, अब देखो ये अंश है ये हर है, अंश हर में क्या करते हैं हम भाग कर देते हैं किससे, कास स्क्वायर ए से, यहाँ भी और यहाँ भी आप भाग कर दीजिए कास स्क्वायर ए से, क्या मिलेगा हमारे यहाँ से देखो टू, देखो कास एक कास से कट जाएगा आपका मिल जाएगा टू टैन ए, क्योंकि साइन बट्टे कास से बचेगा ना, टू टैन ए आ जाएगा बट्टे, यहाँ देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कास स्क्वायर ए हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए बट्टे कास स्क्वायर ए क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो धन एक, एक फार्मूला हमको और मिला टू टैन ए अपान वन प्लस टैन स्क्वायर ए, तो हमें क्या देखने को मिला कि साइन टू ए बराबर ए भी मिला, तो साइन टू ए बराबर आप जानते होंगे टू टैन ए अपान वन प्लस टैन स्क्वायर ए होता है, या इसी के बराबर हमने पहले प्राप्त कर दिया था टू साइन ए इंटू कास ए, बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई, तो देख रहे हैं आप कितने फार्मूले में, दो फार्मूले और हमने प्राप्त कर लिए। अब अगर हम चाहें तो इससे और फार्मूले बनाएंगे, देखो
अगर हम क्या करें एंगल में सब में भाग करते हैं, अगर मुझे साइन है कहीं पर मान लो लिखना हो साइन है बराबर, क्या करना है सभी एंगलों में भाग कर दो जैसे, तो साइन है बताओ ये आपका दो दो से कट जाएगा तो ए बचेगा, साइन हो गया यहाँ क्या हो जाएगा टू टेन ए बाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू बराबर क्या हो जाएगा टू साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू। बताओ ये भी फार्मूला मिल गया, तो कहाँ से मिल रहा है इसी से, बोलो मैंने कुछ किया है अभी तक, पहले बताओ मैंने कुछ किया है नहीं, हमने सिर्फ एक फार्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी, क्या था साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी, आप काउंट कर लीजिए आठ और फार्मूले बन चुके होंगे। चले चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, एक फार्मूला और मैंने लिखा था उसको मिटाएं सारी बात है। तो अभी तक हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि बाबू इसकी सहायता से यहाँ पे जब ये फार्मूला रहेगा तो ये फार्मूला एक बन जाएगा साइन ए माइनस बी वाला भी, यही भी आपको मिल गया था अभी क्या साइन जोड़ा गया था तो दो फार्मूले मिले थे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है क्या मिला था लिख देते हैं एक बार, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या था टू साइन ए इंटू कास बी, ये फार्मूला मिला था। ऐसे ही मिला था हमारा फार्मूला टू साइन ए प्लस बी माइनस था साइन ए माइनस बी बराबर टू कास ए इंटू कास बी, कुछ नहीं कर रहे देखो यहीं से देख के सारा चीज़ लिख रहे हैं ठीक। फिर मैंने आपको निकाला था क्या साइन टू ए का फार्मूला, क्या था टू साइन ए इंटू कास ए, इसी के बराबर आया था टू टेन ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला आया था। ऐसे ही हमने क्या किया सब कोणों भाग कर दिया था, हमें मिला था साइन ए का मान क्या था टू साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू बराबर टू टेन ए बाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो आप देखो सारे फार्मूले मिले क्या, इसमें एक फार्मूला छिपा हुआ एक वो दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फार्मूला आपको मिले कि नहीं मिले, मिले चलिए अब हम क्या करते हैं अगला समझते हैं, अगला समझते हैं ध्यान से देखिए बाबू, यहीं पर अगर मैं बात करूँ आपसे कास ए प्लस बी का तो आपको याद होगा क्या होता है कास ए इंटू कास बी फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। अच्छा इसी में अगर हम क्या करें माइनस यहाँ साइन लगा दें तो आपका एक फार्मूला होता है क्या होगा कास ए माइनस बी क्या हो जाएगा कास ए इंटू कास बी प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन इंटू साइन, ठीक ये फार्मूला है इससे इक्वेशन फर्स्ट बना दिया इसको दो बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए क्या मिलेगा, आप कहोगे सर कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी ये होगा, तो आप मुझे बताओ क्या होगा ये वाला इससे कट जाएगा क्या मिला टू कास ए इंटू कास बी टू कास ए इंटू कास बी मिल गया, ये फार्मूला हमारा ये मिल गया, इसको तीन हमने इक्वेशन बना दिया। अच्छा ऐसे ही अगर क्या करें घटा दे दोनों को इसमें से इसको घटा दे क्या होगा कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी, जो घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका ये प्लस ए भी माइनस हो जाएगा दोनों जुड़ेंगे तो माइनस टू क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन होगा।
आप मुझे बताइए, अगर इस माइनस दोनों से बच्चों भाग करके प्लस हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कास ए माइनस बी और प्लस, नहीं ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा अगर दोनों बच्चों में माइनस से भाग कर दें यार, तो हो जाएगा कास ए प्लस बी और बराबर टू साइन ए इंटू साइन बी होगा। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक, आप क्या देख रहे हैं, तीन फार्मूले बन चुके हैं इसके साथ साथ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हुआ। अब देखो, अब लिखते हैं क्या समीकरण एक में, समीकरण एक नहीं समीकरण ये समीकरण तीन में ए के बराबर बी रख लो, ए बराबर बी रख लो। जब देखो ए बराबर बी रखोगे तो ए प्लस ए कास टू ए हो जाएगा हुआ, और प्लस कास ए में से ए जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बराबर टू कास ए इंटू कास ए हो गया। तो अगर इसे हल करोगे तो कास टू ए प्लस कास जीरो का मान क्या होता है एक होता है, बराबर क्या हो जाएगा टू कास स्क्वायर ए हुआ। इसको उधर ले जाओगे तो आपका फार्मूला बन गया क्या, यहाँ से कास टू ए बराबर टू कास स्क्वायर ए माइनस वन। बताओ ये फार्मूला बना कि नहीं बना भाई, बना बन गया। ऐसे ही समीकरण चार बेटा दो ऊपर से आओ, समीकरण चार को देखो ये है, यहाँ भी ए बराबर बी रख दो, लिखा जाएगा समीकरण चार में ए बराबर बी रख दो, बी रख दो। ठीक, समीकरण चार में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कास ए माइनस ए माइनस कास ए प्लस ए, क्योंकि ए बराबर बी है, बराबर टू साइन ए इंटू साइन बी यानी साइन स्क्वायर होगा। इसका मान कास जीरो आएगा यानी आपका एक आ जाएगा माइनस, इसको इधर लाओ टू साइन स्क्वायर ए, इसको उधर ले जाओ तो कहा जाएगा कास टू। तो बताओ यहाँ भी फार्मूला मिला कास टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, बताओ ये फार्मूला मिला कि नहीं मिला, ये फार्मूला मिला कि नहीं मिला पहले बताओ, बोलो मिला ये फार्मूला मिला कि नहीं मिला, हो गया। अच्छा, इसके बराबर एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला और होता है, क्या होता है देखो, एक फार्मूला होता है कास, जैसे एक फार्मूला होता है ना ये कास ए प्लस बी बराबर क्या कास ए इंटू कास बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। आप क्या करिए ए के बराबर यहाँ पर बी रख दीजिए, तो कास टू यहाँ मिल गया, कास टू यहाँ मिल गया और यहाँ क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। बोलो ये बात समझ में आ रही है, अच्छा इसके बट्टे बताओ एक लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसी फार्मूले को अगर मैं हल करूं तो हो जाएगा का कास टू ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक बराबर होता है, होता है। चलिए इसको ऊपर मिटा देते हैं, समझ रहे हैं कहाँ से मैं सारी चीज़ें ला रहा हूँ। अब हमें जो मिला था कास टू ए बराबर कास स्क्वायर ए, अब एक चीज देख रहे हैं लंबा हो जाए, दोनों पक्षों में क्या करो कास स्क्वायर, यहाँ भी
यानी इसमें भी अंश में भी कॉस स्क्वायर ए से भाग कर दो और हर में भी क्या करो कॉस स्क्वायर ए से भाग कर दो। जब भाग करोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और कॉस कॉस से करिएगा तो वन हो गया माइनस टेन स्क्वायर अपान, ऐसे यहाँ भी होगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए एक हो जाएगा धन, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर होगा। इस तरह से हमें कॉस 2a के कई फार्मूले मिले, कौन कौन मिले देखो, कॉस 2a बराबर मिला हमको पहला मिला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा मिला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तीसरा मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसे चौथा मिला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चारों फार्मूले मिले कि नहीं मिले आपको, बोलिए ये चारों फार्मूले मिले, इसको मिटा सकता हूँ, चल मिटा दें। तो ये फार्मूले हमको याद रखने चाहिए, क्या ये फार्मूले हमको याद रखने चाहिए चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे आया है मैंने आपको बताया, सिर्फ एक फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, उसी से सारा फार्मूला मैं निकाल रहा हूँ, देख रहे हो। और ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। अच्छा इसमें एक और बहुत नोट करने वाली चीज, नोट लिख लीजिएगा ठीक। आप एक चीज देख रहे हैं क्या, कॉस 2a बराबर जब भी अवकलन समाकलन का लगाते हो तो आपको इस फार्मूले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कॉस 2a बराबर एक बनता है यहाँ पे क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, यहाँ पे ये है ना। अगर इस वन को हम इधर लाएं तो वन आपका प्लस हो जाएगा, यानी वन प्लस कॉस 2a मिल जाएगा बराबर 2 कॉस स्क्वायर ये हो जाता है। और कभी कभी क्या किया जाता है, एक तो ये फार्मूला कहीं कहीं हमें इतना ही भी इस्तेमाल कर लिया जाता है ये याद रखा करिए, या कॉस स्क्वायर कहीं की जरूरत पड़ जाती है तो क्या लिखा जाएगा, देखो तो दो से भाग कर दो तो बस वन प्लस का हो जाता है कॉस 2a और बट्टे 2। अच्छा बताओ ये कहीं और से मैंने प्राप्त किया है, नहीं, सब कॉस ए प्लस बी से निकाला आपके सामने निकाला ठीक। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, यूज किया जाता है समाकलन में या अवकलन में ठीक। अच्छा ऐसे ही एक फार्मूला और है, क्या है, जैसे कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखो है ना। अब बताओ यहाँ से अगर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को इस पक्ष में ले जाएं और इस कॉस 2a को उधर भेज दें तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a, तो एक फार्मूला भी बन गया। कभी कभी क्या होता है वो इतने का स्थान पे इतना रखना होता है या इतने का स्थान पे इतना रखना पड़ता है, या यही से अगर मान लो साइन स्क्वायर ए निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपान 2। लड़कों को दिक्कत क्या होता है, एक स्थान पे x रख देता है तो वही फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रखना पड़ता है ठीक। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए ठीक। अब एक बात और समझिए, ये समझ में आ गया ठीक। इन्हीं सब चीज़ों से और भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे देखो इसमें भी टाइम नहीं है, देखो अगर मैं क्या करूँ यहाँ सब में इसमें जो आपने लिखा था इसमें हम 2 से भाग कर दें तो इस कोण में भी 2 से भाग करना पड़ेगा, ये बताओ 2 से भाग कर कट जाएगा कॉस ए आ गया कि नहीं आ गया ठीक, कॉस ए आ गया तो यही आपका यहाँ पे आप कॉस ए यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए है अब यहाँ बाई 2 रहेगा तो यानी आपका ए हो जाएगा बट्टे ये भी फार्मूला बन गया, देखो 2 फार्मूले फिर बन गए। ऐसे ही हम यहाँ पे एंगल में अगर भाग करें 2 से तो इस एंगल में भी भाग करना पड़ेगा, 2 में 2 से भाग करोगे 2 कट जाएगा तो आप कॉस ए मिल गए।
यहाँ देखो वाई टू था तो यहाँ भी वाई टू है, यहाँ पे आपका कासिर है ही, बताओ आपका यहाँ वाई टू और यहाँ पे ये भी फार्मूले बन गए। इन फार्मूलों का भी इस्तेमाल है, बात मेरी समझ में आ रही है? तो आप देखो चार फार्मूले छः फार्मूले ये बन गए, बनेंगे नहीं बनेंगे, हमने कहाँ से लिया, यहीं से लेके यही बनाना शुरू कर दिया। ठीक, ऐसे ही बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि इन फार्मूलों से भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे का से की वैल्यू कहेंगे तो अब क्या करोगे, यहाँ दो से भाग करोगे, सब एंगल में भाग कर दो दो से, बन के तैयार हो गया तीन फार्मूला। अब देखो दो से दो भाग क्या कटेगा, का से आ जाएगा, यहाँ फार्मूला मिल गया क्या, कास स्क्वायर बाई टू माइनस साइन स्क्वायर बाई टू बराबर टू कास स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। और कितने फार्मूले बनते चले जा रहे हैं, बात मेरी समझ में आ रही है? अब बात मेरी समझ में आ रही है, ये फार्मूले कैसे बन रहे हैं ये बात समझ में आ रही है, बोलिएगा, हो गया? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताते हैं इसमें कौन से फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं जब मैंने बनाए। ठीक, इसको लिखेंगे आप। अब देखिए आपको मैंने पहला फार्मूला बताया कास ए प्लस बी, इसी को याद रखना है, क्या होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन, यही क्या करता है किताब में, यहाँ लिखेगा कास एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा कास एक्स प्लस कास वाई माइनस कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, बात समझ में आ रही है? इसी से मैंने क्या किया था, एक फार्मूला अपने आप बना लिया था कास ए माइनस बी, क्या बन गया था, कुछ नहीं करना था, सारा का सारा ऐसे लिखा था, सिर्फ यहाँ चिन्ह बदल के प्लस कर लिया था। बोलो ये तो किया था, यही तो किया था। ठीक, ऐसे ही फिर हमने इसको जोड़ दिया था दोनों को, तो क्या मिला था कास ए प्लस बी और प्लस देखो कास ए माइनस बी बराबर क्या हुआ था, जब जोड़ा जाएगा तो कट जाएगा तो यही बचेगा यार टू कास ए इंटू कास बी। आप जब भी समाकलन लगाओगे, कहीं कहीं सवाल आता है कास इंटू कास बी इंटीग्रल करके, तो आप क्या कर दो का गुणा कर दो उसे भाग कर दो तो यही फार्मूला बन जाएगा, तब आप सॉल्व कर पाते हो, वरना नहीं कर पाते। ठीक, ऐसे ही इनको घटा दिया था मैंने, कास ए प्लस बी माइनस किया था कास ए माइनस बी, तो बताओ घटाने पे ये कर लिया था ये भी माइनस हो गया, तो हो गया था माइनस टू है, तो आपको मैंने बताया था ये प्लस मैंने किया दोनों भाग कर दिया था, ये प्लस हो गया था माइनस हो गया था, तब जाके माइनस नहीं लगा था, तो लिखा था मैंने कहा साइन ए इंटू साइन बी, बना था फार्मूला बना था मैंने बनाया था। ठीक, अच्छा यही हमने क्या था एक स्थान पर बी रख दिया था, तो ये कास टू ए बन गया था, तो कास टू में कई फार्मूले मैंने निकाले थे, क्या कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बराबर टू कास स्क्वायर ए माइनस वन फिर इसके बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर, कैसे आया था ये सब बातें हल करके आपको दिखाया मैंने, इसी फार्मूले से सारी चीज़ें प्राप्त की है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसमें क्या बोलते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले की बातें किया था अभी बाबू को, कि अगर हम इसको और इसको ले लें यानी कास टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इसको ले लें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर के रूप में मिल जाता है, क्या ये आपका वन माइनस कास टू ए और बट्टे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिल जाता है।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें सवाल लगाते समय इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमें कास स्क्वायर ए का मान कास टू ए बराबर हम ले लेंगे तो आपका आ जाता है क्या, वन प्लस कास टू ए बाई टू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिल जाता है, मिल जाता है। फिर मैंने क्या किया था, इसमें दो से भाग कर दिया था, यहाँ कास ए बराबर आपका सब कोड़ों में भाग करके दिखाया था, ये आप समझ चुके हैं। ऐसे इसमें भी अगर हम इसमें बाई टू कर दें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा, ये भी बात आप समझ रहे हैं ठीक। इस तरह से ये फार्मूले प्राप्त होते हैं, समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इतने देखो आपको दो फार्मूलों से लगभग हम जान रहे हैं, इस समय आपके पास 30 फार्मूले आराम से बहुत आसानी से याद हो गए होंगे, याद हो गए होंगे ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टैन ए माइनस बी, क्या बात करते हैं टैन ए प्लस बी की, पहले बात करते हैं टैन ए प्लस बी। अगर बाबू टैन ए प्लस बी को लिखा जाए तो आप जानते हो लिख सकते हो क्या, साइन ए प्लस बी अपान कास ए प्लस बी भी लिख सकते हैं ठीक। अब देखो अगर वो फार्मूला पहला वाला याद है, क्या होता है साइन ए इंटू कास बी, साइन इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी अपान, और कास ए प्लस बी वाला भी पहला फार्मूला अगर याद है क्या होता है, कास इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन, ये तो था यार, अरे इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, या अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, इस पूरे में हमें इसी कास ए इंटू कास बी से भाग कर देना है, कास ए इंटू कास बी से भाग करना, फिर इस पूरे में भी हमको क्या करना है, कास ए इंटू कास बी से भाग करना है, बोलो समझ आया। अब देखो ध्यान से, साइन ए इंटू कास बी बट्टे इतना हो जाएगा, तो देखो साइन ए और ये कास ए बट्टे हो जाएगा तो टैन हो जाएगा, और ये कास बी से कट जाएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पे टैन, फिर देखो कास ए बट्टे कास ए इंटू साइन बी बट्टे कास ए इंटू कास बी हो जाएगा, तो कास ए फिर कास से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन बी बट्टे कास बी, यानी प्लस साइन था यहाँ प्लस हो जाएगा टैन बी अपान कास ए इंटू कास बी बट्टे कास ए इंटू कास बी कट जाएगा तो एक हो जाएगा, फिर माइनस का साइन माइनस लगा दो, साइन ए इंटू साइन बी बट्टे कास ए इंटू कास बी क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टे कास ए वाला टैन हो जाएगा, साइन बी बट्टे कास ए टैन बी हो जाएगा, बस नहीं। तो आप देख क्या रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पर मिल गया क्या टैन ए प्लस बी का फार्मूला, मिला मिला कि नहीं मिला, पहले बताओ मिला, बोलो यार मिला। अच्छा इसी से देखो आसल में याद रखना टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी अपन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, इसी में अगर टैन एक्स प्लस वाई कर देता है तो लड़का घबरा जाता है, नहीं यार घबराऊंगा, यहाँ टैन एक्स प्लस टैन वाई हो जाएगा अपन वन माइनस टैन ए एक्स इंटू टैन वाई हो जाएगा ठीक, समझ में आया कैसे है। अच्छा अब हम अगर ए बराबर फिर बी रखते हैं, बताओ टैन ए टैन प्लस बी है तो टैन टू ए हो जाएगा बराबर टैन ए, यहाँ भी टैन ए मिलकर हो जाएगा टू टैन ए अपान वन माइनस, यहाँ भी टैन ए टैन ए टैन ए इंटू टैन ए टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, बताओ कुछ याद किया मैंने कुछ याद किया है, नहीं यार तुम फालतू याद करते हो, देखो ना हुआ, यहीं पे आप यक्स रहता तो यक्स यक्स होता था टू यक्स बराबर होता टू टेन एक्स अपान वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यही तो याद करते हो ना समकलन में ठीक है। अच्छा फिर अगर कोण में भाग कर दो, जैसे यहाँ भी दो से भाग कर दो तो यहाँ एंगल में हो जाएगा यहाँ भी एंगल में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला टेन ए बराबर फार्मूला बन जाता, क्या बनता टू टेन ए बाई टू अपान वन माइनस
टेन स्क्वायर ए बाई टू, बताओ नहीं बनता, बोलो बनता कि नहीं बनता, पहले बताओ बनता कि नहीं बनता, पहले ये बताइए। समझ में आ रहा बाबू, समझ में आ रहा क्या मैं कर रहा हूँ? चलिए ये देखो, अब फार्मूला वही से बन रहा, सारा फार्मूला, ये दो फार्मूले से हम सारी बातें कर रहे हैं। हमने कहा था ना दो फार्मूले याद है, सारा चीज लगाएंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलिए इसी तरह से बेटा देखो, इसी तरह से देखिएगा, इसी तरह से अगर हमें निकालना हो कास, अच्छा इसी बताओ, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे माइनस वाला लग जाता, यहाँ प्लस हो जाता, तो कुछ करना थोड़ी होता है, यहाँ प्लस हो जाता यहाँ माइनस हो जाता, होता ना, यानी यहाँ पे भी माइनस हो जाता। यानी अगर मुझे टेन ए माइनस बी निकालना है तो आपको कुछ नहीं याद करना है यार, टेन ए प्लस बी वाला याद रखो। क्या लिख सकते हो, पहली बात इसे लिख क्या सकते थे, साइन ए माइनस बी अपान कास ए माइनस बी। अब इसका मान रखोगे, इसका मान जैसे यहाँ रखो, फिर कास ए इंटू कास बी से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन ए माइनस टेन बी अपान वन माइनस ना प्लस होगा टेन ए इंटू टेन। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले बताओ, ये बात समझ में आई? तो हमें क्या मिला फार्मूला, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन। अब आप कहोगे सर ए बराबर बी रख दो, ए बराबर बी रखोगे क्या हो जाएगा, टेन जीरो डिग्री, इसका मान हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कुछ मिलेगा। बात समझ में आई आपको, यहाँ तक बताओ आपको बात समझ में आई? बोलो बाबू, तो इसमें हमने क्या सीखा है, ध्यान से समझिए क्या क्या सीखा है हमने, यहाँ से दो फार्मूले सीखा, दो नहीं तीन फार्मूले से क्या सीखा, इसको लिखते हैं एक बार, क्या टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये याद भी रखेंगे। अब फिर सीखा टेन ए माइनस बी का, इसी में रखते कुछ नहीं करना, खाली यहाँ माइनस कर देना था, वन प्लस टेन इंटू टेन बी, बोलो होगा। फिर मैंने इसमें ही इक्वेशन फर्स्ट में ए बराबर बी रख दिया, यानी टेन टू ए हो गया, ए यहाँ भी यहाँ टेन ए, टेन ए टू टेन ए अपान वन माइनस टेन इंटू टेन ए टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला बन गया। फिर हमने एंगल में भाग कर दिया तो उसे सब में, तो आपको टेन ए बराबर मिल गया टू टेन ए बाई टू अपान वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। बोलो ये सारी बातें आपके जहन में जाई गई कि नहीं गई, पहले बताओ गई, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप कहोगे सर आई। चलिए अब इसी में आपका काट वाला एक फार्मूला होता है, क्या होता है, काट वाला फार्मूला होता है, क्या होता है बाबू, काट ए प्लस बी बताओ क्या लिख सकते हो, कास ए माइनस बी अपान कास, कास नहीं साइन, साइन ए प्लस बी ने काट ए प्लस बी है ना, ठीक। इसका फार्मूला क्या बनेगा, आप कहोगे सर वन माइनस काट ए इंटू काट बी अपान काट बी प्लस काट ए, ये फार्मूला बनेगा इसका। जब आप इसका विस्तार करोगे तो क्या होगा, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी अपान होगा साइन इंटू कास बी, करोगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक ऐसे लिख लोगे आप, एक सुविधा देना हो जाएगा। अब अगर आपको निकालना हो कास ए माइनस बी का, कास नहीं है काट है, ठीक है कुछ नहीं करना है, खाली चीज बदल दो, वन प्लस हो जाएगा
cot A into cot B upon cot B minus cot A, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपको cot 2A का मान निकालना है, एक स्थान पे भी रख दीजिए, आपको फार्मूला क्या मिलेगा, वन माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट बी माइनस प्लस ये ना आपका यहाँ पे ये हो जाएगा वन माइनस टू कॉट स्क्वायर ए अपान टू कॉट ए, ये मिल गया। ठीक, इस तरह से हमने देखा क्या कॉट ए प्लस बी के हम फार्मूले यहाँ से प्राप्त कर लिए। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो हमको क्या बोलते हैं, ये भी फार्मूला में समाकलन में रखने से क्या होगा, साइन थ्री ए बराबर, या लिखा रहता है साइन थ्री एक्स बराबर, क्या साइन थ्री एक्स बराबर क्या होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए। कभी कभी क्या करना पड़ता है, आपको इंटीग्रल दे देता है साइन क्यूब ए का, साइन क्यूब एक्स का मान देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये फार्मूला जब याद होता है तो यहाँ से हम साइन क्यूब का मान निकालते हैं, तो इसको आप इधर लाओगे, इसको उधर ले जाओगे, तो थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए बट्टे क्या हो जाएगा फोर, किसका मान, साइन क्यूब के क्यूब ए का मान, तो यहाँ रख के हम क्या करते हैं, आराम से निकाल देते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ऐसे क्या कास थ्री क्या होता है, फोर कास यू ए माइनस थ्री कास ए, ये फार्मूला होता है। इसका भी क्या बोलते हैं, समाकलन में क्या है, कई जगह इस्तेमाल है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें अगर टैन थ्री ए की, क्या होता है, थ्री टैन ए माइनस फोर टैन क्यूब ए अपान वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर ए, ये भी हमें फार्मूला क्या करना है, याद रखना है, समाकलन क्या है, कई जगह इसका इस्तेमाल करना। ठीक, अच्छा एक चीज और याद रखनी है, क्या नोट करके याद रखनी है, क्या कि अगर आपको लिखा है कहीं पे टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स, उसके स्थान पर क्या लिखना है, वन माइनस टैन एक्स अपान वन प्लस टैन एक्स, क्योंकि आप जानते हो टैन ए माइनस बी, अभी मैंने बताया क्या होता है फार्मूला, टैन ए माइनस टैन बी अपान वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टैन पाई बाई फोर माइनस टैन एक्स अपान वन प्लस टैन पाई बाई फोर इंटू टैन एक्स, तो टैन पाई बाई फोर का मान क्या हो जाएगा, हमारा वन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही एक बात और याद रखनी है, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बराबर क्या होता है दोस्त, हो जाएगा क्या वही जो मैंने बोला अभी, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपान वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, हल करेंगे तो आपको हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपान वन प्लस वन माइनस हो जाएगा टेन एक्स। ये चीज़ें याद रहे कि क्या बोलते हैं, आपको जो समाकलन लगाते हो कई जगह क्या बोलते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। दो तीन फार्मूले और हैं, उसको देखते हैं, क्या है साइन सी प्लस साइन डी, सी डी का फार्मूला बोला जाता है, साइन सी प्लस साइन डी इसके बराबर क्या होता है, वो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला। जब भी हमें साइन सी प्लस साइन डी रहेगा तो ऐसा हम काम करेंगे। ऐसे मान लीजिए आपको क्या हो, साइन सी माइनस हो जाए साइन डी, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हो जाएगा टू कास सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा आपकी बात इंटू क्या, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। समाकलन में कई जगह इस फार्मूले का यूज है, जब सवाल को लगाया गया डिफरेंशिएशन में भी था। ठीक है, ऐसे ही बात हम करें, कास सी
प्लस कास डी क्या होता है आपका, टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई ये बहुत आपका मतलब ऐसे ही क्या होता है, कास सी अगर माइनस कास डी है तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाता है आपका क्या माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, या इसी को मैं लिखना चाहूँ तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम इसे लिखना चाहें देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम माइनस कामन लें तो क्या हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा, तो हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसी को लोग लिख देते हैं क्या टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं ये फार्मूले हमें याद रखने चाहिए, ये सारे फार्मूले जो भी मैंने अभी तक बताया है तो अगर आपको याद हैं तो आपको समाकलन लगाने में, अवकलन लगाने में या और भी चीज़ें लगाने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।